पानीपत जिला के पूर्व जिला परिषद चेयरमैन और पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रहे जितेंद्र अहलावत ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए दावा किया कि अब पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए कांग्रेस अछूत नहीं है, बल्कि भाजपा के 10 साल के कुशासन को देखकर जनता ने कांग्रेस के लिए एक मजबूत मैदान तैयार कर दिया है, बशर्ते कि टिकट का वितरण सही हो। उन्होंने कहा कि लोग इस इंतजार में हैं कि कब चुनाव आए और भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया जा सके, क्योंकि भाजपा ने सत्ता में रहने के लिए खुद को राजनीति के निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा इतनी लोकप्रिय है तो धर्म का चोला उतारे और कांग्रेस के विकास के मुद्दों का मुकाबला करे। उन्होंने कहा कि वे तो पार्टी और हुडा के सिपाही के तौर पर काम कर रहे हैं। टिकट के सवाल पर उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान और भूपेंद्र सिंह हुडा का होगा, जो हम सबको स्वीकार्य होना चाहिए, क्योंकि हमारे दिल में कांग्रेस है। सारिका नरवाल की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज, मैं सारिका। प्रदेश में राजनीतिक जो माहौल है वो इन दिनों बहुत एक तरह से सरपट हो गया है। तमाम राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव की तैयारी कर दी है और इन तैयारियों में अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस एक तरह से भाजपा को समेटने के लिए तैयार बैठी है। कांग्रेस की जो रणनीति है वो तमाम नेताओं के बीच में पहुंच चुकी है। कांग्रेस से पार्टी से इलेक्शन लड़ने वाले जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनकी भी मैं अगर देख बात की जाए तो बहुत लोग मैदान में आ गए हैं। और आज हम पानीपत ग्रामीण की सीट की बात करेंगे, जो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, बहुत हॉट हो चुका है। जीटी रोड बेल्ट है और एक लंबे टाइम से कांग्रेस के ने इस स्वाद जीत का स्वाद ही नहीं चखा है, लेकिन अब जीतने के लिए बहुत सारे लोग मैदान में आ रहे हैं। उन्हीं में से एक जीत की उम्मीद लिए जो लोगों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जितेंद्र अहलावत हमारे साथ हैं, जो पहले भी बहुत अच्छे राजनेता के तौर पे साबित हुए हैं, जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं और भी बहुत सारे इनके पास पद हैं। भूपेंद्र हुड्डा के सिपाही माने जाते हैं, आज उनसे जानना चाहूंगी मैं। अहलावत साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और नमस्कार। मैं ये जानना चाह रही थी कि लंबे टाइम से ना ग्रामीण जो सीट है पानीपत की वो सूखी है कांग्रेस के लिए, ये जो सूखा सूखा है, इस बार 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है बड़ा हॉट इलेक्शन है, जी, तो उस सीट को लेके आप आश्वस्त हैं, कांग्रेस आश्वस्त है? बिल्कुल, अब की बार बिल्कुल आश्वस्त है और अब की बार 100% कांग्रेस को ये सीट जाएगी। पिछली बार कई हमारे से गलती हुई है, पार्टी से, मैं पार्टी की अपनी गलती एक ही मानूंगा, क्योंकि हम ठीक से टिकट का वितरण नहीं कर पाए, इस वजह से हमारी ये सीट जो खराब हुई है। अरे जब एक बार कोई सीट चली जाती है तो उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है, तो तीन प्लान इसलिए हमारे खराब हो गए हैं, लेकिन अब की बार श्योरिटी है हमारी 100%। हम हुड्डा साहब के आशीर्वाद से, दीपेंद्र जी के आशीर्वाद से 100% पानीपत ग्रामीण हम कांग्रेस की झोली में डालेंगे। ये उम्मीद है आपको इस बात की कि, लेकिन जो मुद्दे हैं वो इस जीटी रोड बेल्ट पे मैं देखती हूँ कुछ मुद्दे गौण हो जाते हैं, जी जी, तो किस तरह के मुद्दों को लेकर चलेंगे? जो इस सीट पे अगर मैं बात करूँ तो फिर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग मुद्दे आ जाते हैं, तो मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे यहाँ का मुद्दा सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है, देश में है, इस सीट पे भी है बेरोजगारी। आज के दिन सब बच्चे हैं बाहर भाग रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, हमारे जो टैलेंट है वो सारा विदेशों में जा रहा है क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। उनकी एजुकेशन के हिसाब से, उनको जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की है वो उसके हिसाब से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो सब लोग यहाँ पे बाहर जा रहे हैं। यहाँ इंडस्ट्री भी है, उनका इंडस्ट्री की भी मुद्दे है, जो यहाँ कुछ बहुत सारी कॉलोनियों में गरीब लोग रहते हैं, लेबर काफी रहता है यहाँ पे, उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनके अपने मुद्दे हैं, उनका पानी की सप्लाई का मुद्दा है, उनका निगम के जो आईडी वगैरह है बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, उनके छोटे छोटे प्लाट है बेचारे, उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाती, वो कुछ भी करना चाहें वो एक किस्म से ऐसे ही हालात हैं उनके, जैसे इस देश के वासी नहीं, उनसे ऐसा व्यवहार किया जाता है। उनके हमारी लक्ष्य रहेगा कांग्रेस पार्टी का, उनको एक परिवार के रूप में उनकी जो समस्याएं हैं चाहे किसी भी रूप में, हम उनको सब वो खत्म करेंगे और उनको एक जो एक वैध कॉलोनी में जो चीज़ होती है सब कुछ उनको प्रोवाइड किया जाएगा, पानी के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, रोजगार के रूप में, सब चीज़ों में उनको आगे लाया जाएगा। मैं एक बात कहूँगा राव साहब, जैसे
जब भी कांग्रेस की बात आती तो कांग्रेस के लोग जाके पब्लिक में ये बोलते हैं कि बड़ी पुरानी पार्टी है, इस पार्टी ने बहुत, इस पार्टी के जो लोग थे उन्होंने बहुत बलिदान दिया, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में उन चीजों के वोटर के मन में भी कोई मायने नहीं बचे। जी जी जी। 10 साल बीजेपी का राज हो, जी जी, तो बीजेपी ने जिस तरह से अपनी विचारधारा को आम आदमी तक पहुंचा दिया, तो उसके मुकाबले में कांग्रेस को और बहुत ज्यादा क्या काम करने की जरूरत है कि कांग्रेस पे और कांग्रेस के उम्मीदवारों पर ये लोग भरोसा करें। क्या है, बीजेपी ने अपना लेवल गिरा दिया है, बिल्कुल वो बिल्कुल निम्न स्तर पर चली गई है। उसको कोई मतलब लोगों से उनको बिड़ाना है, उनको जात धर्म और उनमें उनको बांटना है लोगों को। कांग्रेस पार्टी कोई भी देखो, कोई भी जो ऊंचे आदमी होते हैं, ऊंचे लोग होते हैं, ऊंची सोच होती है, तो वो एक लेवल होता है नीचे जाने का, उससे नीचे नहीं जा सकते। कांग्रेस पार्टी वो है। और बीजेपी का कोई लेवल नहीं है, वो कहीं तक भी जा सकती है किसी को करने के लिए। अब उन्होंने अलग अलग रूप में उन्होंने एक समाज में फैलानी है गलत चीजें और अपने वोट बैंक में वो पक्का करना। वो चाहते हैं हमारा ध्यान महंगाई से हट जाए, हम रोजगार से हट जाए, सब चीजों को छोड़ के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लोग ना याद करके सिर्फ धर्म को याद रखें, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, यही घर आ रहे हैं, ऐसा ही हाल अब ये जो चल रहा है इनको यही करना है। और कांग्रेस पार्टी का कोई भी वो इतने लेवल तक नहीं जा सकती, लेकिन हम लोगों को अब लोग समझ चुके हैं, इनकी बातें देख चुके हैं, अकि ये सब इनको राजनीति का, वोट का स्टंट है इनका, और इनको कोई किसी से लगाव है ना, इसको हिंदू से लगाव है, किसी को इससे लगाव नहीं है, इनका सिर्फ वोट से लगाव है और ये वोट का ही बात करते हैं। अब लोग कांग्रेस पार्टी उस लेवल पे भी लोगों को समझा रही है और बता रही है, और जो समस्याएं हैं एक्चुअल में उन समस्याओं को लोगों तक लेके जा रहे हैं। और अब इनका जो ये जो 10 साल जो इन्होंने ढोंग रचा है और लोगों को बहकाया है, वो अब लोग उसके बहकावे में नहीं आ रहे हैं। मैं 2005 से 2009 तक आप जैसे जिला परिषद के चेयरमैन रहे, एक तरह से राजनीतिक तौर पर तो आपने एक जिया है अपने आप को, तो आप एस्टैब्लिश नेता हैं, युवा नेता हैं, काफी आप लोगों के बीच में रहते हैं, तो आपको लगता है कि आप टिकट के दावेदार तो सभी हो सकते हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस आप पे भरोसा जताएगी? इसका ये है कि देखो 2005 से मैंने 10 तक जिला परिषद के एज ए अध्यक्ष काम किया है, आप ये समझ सकते हो मोटे तौर पर आज के दिन हालात क्या है। 2010 से 5 में कभी भी मेरे खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं, तो आप देखोगे ये हर साल अविश्वास प्रस्ताव लगता है, कोई कोई खुबी होगी तो ये 5 साल आपने अच्छे जिए हैं, अच्छे बहुत अच्छे जिए हैं और बहुत अच्छे काम किए हैं, ऐसे काम किए हैं हमने, अब लोग याद करते हैं, मेरी शराफत को याद करते हैं लोग, मेरी ईमानदारी को याद करते हैं लोग, मेरी मेहनत को याद करते हैं, हर 36 बिरादरी मुझको भरोसा करती है, ट्रस्ट करती है। अब ये बंदा कभी जात पात में नहीं जाता, कभी धर्म में नहीं जाता, कभी सिर उठा के इसने राजनीति की बात नहीं, कोई घमंड नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ईमानदार से काम करता है, मेहनत करता है, सराफत है, तो 36 बिरादरी और सब तरह के काम करने वाले, मुझे मजदूर भी ऐसी इज्जत देता है, व्यापारी भी ऐसी इज्जत देता है, किसान भी ऐसी पहचान है, एक गाँव भी वही इज्जत देता है, कॉलोनी वाले भी वही इज्जत देते हैं, तो सब लोग जानते हैं, अगर टोटल मिला के सब तरीके से ये बेस्ट उसमें आता है हमारे, और इसी उम्मीद से हमें उम्मीद है कि हम कांग्रेस को कामयाब बनाएं। पानीपत एक टेक्सटाइल का हब है जी, और आप भी इसी इंडस्ट्री में जी, आज के टाइम में इस हब का क्या हाल हो गया है जी, जी। और अगर आपको मौका मिलता है तो इस जो पानीपत को हब बनाने का एक सपना था, कांग्रेस ने एक नारा दिया था जी, तो आप इस इंडस्ट्री के लिए क्या स्पेशल करने वाले? इसमें इंडस्ट्री के लिए तो सबसे पहले मेरा लक्ष्य रहेगा मजदूरों के लिए घर नहीं है, मैं ये चाहूंगा जैसे हुड्डा साहब ने 100-100 गज के प्लाट दिए हैं, जो इंडस्ट्री में काम करता है मजदूर उसको 100-100 गज के प्लाट मिलने चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए काम करते हैं। मैं अगर इनकम टैक्स देता हूँ, आज मेरी कंपनी 3.5 करोड़ साल में इनकम टैक्स देती है, वो मैं नहीं देता, वो मेरा जो फैक्ट्री में वर्कर काम करता है वो देता है, उनके लिए कम से कम एक आवास तो होना चाहिए जो सब लोगों को गाँव में मिलता है, सब उनमें जो दे देते हैं, तो उनको भी ऐसा होना चाहिए। पहला मजदूर के लिए तो मैंने ये करना है, ठीक, इंडस्ट्री के लिए मैंने ये करना है, किस तरीके से मैं इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए जो मेरे को समझ, मैं यूरोप US में काम करता हूँ, सारा मेरा वहाँ पे जाता है, तो वहाँ चाइना में कैसे इंडस्ट्री फली फूलती है उसके रूप में मैं वहाँ पे क्या होता है, जमीन को किस तरीके से पंचायतों से मैं जमीन
एक किस्म से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, एक लीज पे लेके, ताकि उस गांव का रोजगार भी बढ़े और पंचायत का भी रोजगार बढ़े, पंचायत को भी उसके लीज के रूप में किराया मिले तो वो वहाँ मिले और वो इंडस्ट्री चले, वहाँ उस गांव को रोजगार मिले, इंडस्ट्री वाले को जमीन सस्ती मतलब लीज में मिल रही है तो सस्ती पड़ेगी उसको और वो अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाए, मतलब दोनों तरफ से बिजनेसमैन को भी जो इंडस्ट्री मालिक है उसको किसान को बेनिफिट होगा, मजदूर का बेनिफिट होगा, उसमें जो वहाँ के गांव के लोग हैं जो बेरोजगार हैं उनको फायदा होगा, रोजगार मिलेगा। तो ये आज के दिन बहुत इंडस्ट्री वाले परेशान हैं, जमीन के रेट जो फैक्ट्रियों के प्लॉट हैं वो बहुत महंगे हो चुके हैं और पोल्यूशन की बहुत समस्या है, पोल्यूशन पर भी हमने काम करना होगा, क्योंकि देखो इंडस्ट्री लगती है गाँव वाले परेशान होते हैं उससे धुएं से, उसको क्या मिलता है, उसको तो उसके रूप में धुआं ही मिलेगा और तो कुछ मिलेगा नहीं, तो उस पर भी पोल्यूशन पर भी हमने काम करना है, इंडस्ट्री के रूप में जो समस्या है उन पर भी काम करना है। मतलब मैंने ऐसा सुना है कि आप पर्यावरण प्रेमी भी हैं, तो आप जैसे धान की खेती नहीं करते लंबे टाइम से, तो इन चीज़ों के साथ साथ आपने एक तरह से होमवर्क कर लिया, जो जितनी मुझे जानकारी है, आप कांग्रेस की नीतियों को लेकर आप घर घर तक तो जा चुके हैं, तो एक अलग पहचान बनाने की तो जरूरत नहीं है। जी जी, अगर कांग्रेस आपको टिकट देती है तो आपका जो मेन लोगों में जो अपना एक सपना होता है कि भाई मैं आपके लिए ये करने के लिए तैयार, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं है गांव में, आप देखते होंगे चल जाके, तो आप किस तरह से काम कर रहे हैं? मैं देख तो जो हमारे एससी एसटी भाई हैं, ओबीसी भाई हैं, उनको जो भी वहाँ पे घरों में माताओं को, बहनों को, बच्चों को शिक्षा के रूप में, तो सबसे पहले मेरा काम होगा शिक्षा के रूप में उनको कैसे किस तरीके से सस्ते सस्ते उसमें और अच्छी से अच्छी क्वालिटी शिक्षा उनको मिले, नंबर एक। नंबर दो बात, जो हमारे किसान हैं उनके लिए जो आज के दिन फसल में जो लागत है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, किस तरीके से कम रखा जाए और अच्छे से अच्छी फसल का जो वो हुआ, और पर्यावरण के हिसाब से भी हम उसमें जैसे पराली का हमारा उसमें हम क्या इंडस्ट्री में उसको यूज करके या कैसे हम पर्यावरण को भी बचाएं और किसान को भी उस चीज़ का बेनिफिट मिले, उस तरीके से भी हमने किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, स्पोर्ट्स का हमारे यहाँ काफ़ी है मतलब प्रभाव है, तो उसमें भी हम युवा हैं उनको किस तरीके से स्पोर्ट्स से जोड़े, नशे से बचा जाए, ताकि नशा भी बहुत ज़्यादा हरियाणा में, पंजाब के बाद अब हरियाणा का नंबर है, उसमें भी हम नशे से भी कैसे बचाया जाए उसको स्पोर्ट्स की तरफ वो किया जाए, एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा जरूरी है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा दिक्कत, बेरोजगार पर बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत है, और महिलाओं का भी आज के दिन हमारे हरियाणा में जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उस पर भी हमने काम करना है, तो वो भी हमारी इच्छा है, उस पर भी हम काम करेंगे। जी जी जी, तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र राव, जो बहुत बड़ा सपना लेकर, बहुत बड़ी सोच लेके काम करने की इच्छा रखते हैं, ये तो समय बताएगा कि कांग्रेस इन पर कितना भरोसा जताती है, अगर भरोसा जताती तो वोटर इनको कितना मतलब आगे ले जाते हैं जीत की ओर, इनके जीत की ओर अग्रसर हैं और लगातार ये काम भी कर रहे हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, इंडस्ट्री में मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से मल्टी ब्रांडेड हो गए हैं यहाँ पे, कांग्रेस के लिए भी और जनता के लिए भी, आगे आने वाले समय में हम इनसे फिर से बात करेंगे, और हमारी भी शुभकामनाएं जितेंद्र भाई, पार्टी अगर आपको मौका देती है। पानीपत से सारिका की रिपोर्ट, नमस्कार।